हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एलिगेंस बाय ज़ोया। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, टुडे आई एम हियर विद अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ अमेजिंग ड्रेसेस। सो गाइस, दिस टाइप ऑफ फैंसी ड्रेसेस आर वेरी स्टाइलिश एंड वेरी ट्रेंडिंग। यू कैन सी दिस ऑल ड्रेसेस आर टू मच अमेजिंग एंड टू मच नाइस। दिस ऑल ड्रेस यू कैन वेयर इजीली लाइक पार्टीज, गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स एंड मेनी ओकेजंस। So when you wear this type of dress, you also accessorize yourself like heavy jewelry, like झुमकास, bangles, चूड़ियाँ, ऐसी वैसी चीज़ें जो मतलब आपकी personality को enhance करें, बढ़ाएँ। Guys, ऐसा होता है कि जब हम शादी वगैरह पे जाते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आती कि हम matching की क्या चीज़ पहने, हम इसके साथ क्या पहने। या तो हम चीज़ें वगैरह ले के जाते हैं, मिलती नहीं है, ये ऐसे वैसे ना बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे शादी का फंक्शन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। हम घर से कह के जाते हैं, उधर जाके ऐसी वीडियो बनाएंगे, वैसी वीडियो बनाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है जब हम किसी टिकटॉकर या किसी ऐसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देखते हैं ना शादी वगैरह पे, उनकी वीडियोस वगैरह, तो हम कहते हैं अब हम भी अपनी ऐसी बनाएंगे। लेकिन शादी के फंक्शन में हम इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि घर आके जब हम कपड़े चेंज करते हैं, फिर हमें याद आता है ओहो हमने तो ये वीडियो ही नहीं बनाई। होता ना ऐसे, होता है भाई। लेकिन इसके लिए भी एक मेरे पास आइडिया है, जब भी आप तैयार होने लगते हो तो कोशिश किया करें हमेशा घंटे पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दिया करें, क्योंकि लड़कियों का मेकअप तो होता ही घंटे का। तो इसलिए कोशिश किया करें फंक्शन शुरू होने से, जब सब तैयार होने शुरू होते हैं उससे एक घंटा पहले आप तैयार होने लग जाया करें, क्योंकि दूसरे लोगों का भी काफ़ी काम होते हैं, उनकी भी काफ़ी हेल्प करनी होती है। फिर बेशक आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आपको हेल्प करनी पड़ती है। तो इसलिए अपने आप को ज़रा मेंटेन रखा करें, अपनी पर्सनैलिटी को ज़रा इन्हेंस करें। जो चीज़ अगर कोई फ्रॉक है, कोई मैक्सी है, तो उसे कैरी करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि लोग प्यारा तो लगने लग जाते हैं लेकिन ना उन्हें चीज़ कैरी करनी नहीं आती, जिसकी वजह से वो मार खा जाते हैं और अजीब लगते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें, क्योंकि यही चीज़ें जिनसे पता चलता है कि आप कैसे लग रहे हैं। आप खुद मतलब खुद बताएं, जब आप कोई फैंसी ड्रेस पहनते हैं और उसमें आपको किसी की वॉक अच्छी नहीं लग रही होती, जैसे कोई इंसान चल रहा होता है, आप कहते हो ना कितने अजीब तरीके से चल रहा है, आप उसके ड्रेस पे फोकस नहीं करते, आप उसकी चाल पे फोकस करते हो। इंसान जो है ना, इंसान दूसरे इंसान की खामियाँ ढूंढते हैं, खूबियाँ, उसमें इंसान में 100 खूबियाँ और 1 खामी हो ना, वो खामी पे फोकस करेगा, खूबियों पे नहीं करेगा। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है लोगों को मौका ही ना दें कि हम में से खामी निकालें, हम टोटली अपने में खूबियाँ पैदा करें। फिर वो बेशक ड्रेस में हो, कहीं जाना हो, कुछ पकाना हो, किसी को तैयार करना हो, पढ़ना, हर चीज़ में इंसान को परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, यह तो बात है जो है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई खामी और वो खामी रहेगी उसमें। सो गाइस, होप सो आपको मेरी ये कलेक्शन पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी कलेक्शन पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।